यहाँ है श्री जाहर वीर बाबा की तलवार, अंदर है, अंदर जाने से मनोकामना पूरी होती है, अर्जन सर्जन के शीश अंदर है। ये देखिए दोस्तों, ये ही है वो गुफा गोगा जी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राजू मोटो ब्लॉगर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोगा जी महाराज का महल, जो कि चूरू ज़िले के ददरेवा गांव के अंदर है। तो वहीं पे फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं और मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये है सामने वाला गोगा जी महाराज का महल। इस महल के बारे में ये कहा जाता है कि ये करीबन 1250 साल पुराना है। महल बोल सकते हो इसको, ददरेवा फोर्ट बोल सकते हो आप दोस्तों। और कितने बड़े बड़े सामने गेट है, तो 1250 साल पुराने वही गेट है, उसी ज़माने के दोस्तों। ये देखिए पुरानी संस्कृति है वो अपने को देखने को मिल रही है। किस तरह से मतलब इनकी जो छतें हैं वो गोल आकार के अंदर बनाई गई है। ये देखिए काफ़ी हाइट है इस फोर्ट की दोस्तों। और अपने को इस फोर्ट के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है वो पूरा आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो सामने वाला अपने को जो महल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या कुछ है। तो दोस्तों इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उस ज़माने में ये जो महल है ये बहुत ही सुंदर हुआ करता होगा, लेकिन आज भी इसको देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी अच्छा सुंदर बनाया गया है इसको। ये देखिए यहाँ पे कुछ गोगो जी महाराज की तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, ये देखिए। और ये लकड़ी का कुछ बर्तन आकार के अंदर बना हुआ, इसके अंदर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, ये देखिए। ये सामने कुछ महल की तस्वीर दिखाई गई है, मेरे हिसाब से ये उस ज़माने में इस प्रकार का महल होगा। ये भी कहते हैं कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अगर इस स्थान के ऊपर पहुंच गया या गोगो जी महाराज की जो बेड़ी है उसके ऊपर अगर वो पहुंच गया तो वो बिल्कुल ज़िंदा हो जाएगा। जो सांप का डसा हुआ जो पूरा का पूरा जहर है वो मतलब मेड़ी के ऊपर आते ही पूरा का पूरा जहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी पहुँच गया सांप काटने के बाद में वो कभी मरता नहीं है, वो जिंदा होगा बिल्कुल। मतलब सांप वाले देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, गोगो जी महाराज को। और यहाँ सामने है घोड़े की खोर, अंदर है, दर्शन कीजिए। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ सामने रखा हुआ है गोगा जी घोड़े की घड़साल, मतलब ये रखा हुआ है कुछ है। इतनी जानकारी अपने को तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन घोड़े की है कुछ ना कुछ, ये मतलब जो काठी बोलते हैं अपन उनमें कुछ ये सिस्टम है। और अभी इसी के जस्ट पास में एक और महल बना हुआ है और ये है घोड़े की गुफा। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है श्री जाहिर वीर के घोड़े का जन्म स्थान, अंदर है गोगा मेड़ी जाने की सुरंग, रानी सरियल का चरखा भी अंदर है। तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है घोड़े की नाल, मतलब जो घोड़े की गोगा जी महाराज का जो घोड़ा था उनका जन्म स्थान यहीं पे, मतलब उनका जो जन्म है वो यहीं पे हुआ था। ये देखिए कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो महल बने हुए हैं ये बिल्कुल, इन महलों की जो हाइट है छत की वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, ये देखिए। और कितने साल पुराने हैं लेकिन वैसे के वैसे ही पड़े हैं आज भी ये महल। और अभी चलते हैं ऊपर के महल के अंदर, तो वहाँ पर आपको अभी दिखाएंगे गोगा जी महाराज की तलवार। और यहाँ पर साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है कि माता बाचल की चक्कियाँ ऊपर है। ये जो महल है ये अभी तीन इसके जो फ्लोर है वो खुले हुए हैं, एक नीचे का ग्राउंड, अभी मैं बीच के मतलब दो नंबर ग्राउंड के ऊपर हूँ और एक ये ऊपर और जाता है, तो इसके ऊपर हम अपन बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं इस साइड के अंदर। तो यहाँ पे कुछ न कुछ सामान अपने को देखने को मिलेगा वहीं गोगो जी महाराज के बारे में।
तो वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ है श्री जाहरवीर बाबा की तलवार, अंदर है, अंदर जाने से मनोकामना पूरी होती है, अर्जन सर्जन के शीस अंदर है, वो भी दिखा देता हूँ आपको अभी। और जो अर्जन सर्जन थे उनके जो शीश है वो ये शीश है, और गोगा जी महाराज थे उनकी जो तस्वीर, उनकी जो तलवार थी वो यहाँ पे फिलहाल नहीं है, वो अंदर रखी गई है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। ये देखिए पिलर किस तरह से बने हुए हैं, देख सकते हो आप, मतलब पुराने ज़माने की जो झलक है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऊपर जो महल की छत है इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो किस तरह से किया गया है वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए ऊंट घोड़ा इनको मतलब एक दूसरे को भागते हुए दिखाया गया है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं, जाहरवीर अपनी सरियल से चोरी चोरी मिलने आते थे, वो यही स्थान है। और अभी चलते हैं 3 नंबर फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर आपको दिखाएंगे चक्कियाँ पुराने ज़माने की, गोगो जी महाराज थे उन्हीं के ज़माने की चक्कियाँ। तो अभी जा रहे हैं, ये देखिए जो ऊपर का ये फ्लोर है ये अभी बंद है, और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा गेट है, इसके अंदर से निकलेंगे अपन और आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए चक्कियाँ पुराने ज़माने की चक्कियाँ, ये 1250 साल पुरानी चक्कियाँ हैं, और इसमें कुछ पिसा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मेरे हिसाब से इसके अंदर प्रसाद डालते हैं और इसको घुमाते हैं और प्रसाद को पीसते हैं। ये देखिए, और ये बड़ी चक्की है और ये छोटी चक्की, ये है माता बाछल की चक्कियाँ। ये है पिंजरा, कितना साल पुराना पिंजरा है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोगा जी महाराज की गुफा, देखते हैं, मैंने भी नहीं देखी है, आपको भी मैं दिखा देता हूँ कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है और कैसी बनी हुई है गुफा। ये देखिए दोस्तों, यही है वो गुफा गोगा जी महाराज की, इसी के अंदर भी गोगा जी महाराज वो रहते थे। और आपको दिखाता हूँ और अंदर चलते हैं, अभी अंधेरा है बिल्कुल अंदर। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा है इसके अंदर। ये देखिए ये अंदर का और है फ्लोर, ये देखो, इस तरह से गुफा बनी हुई है दोस्तों। ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।